नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। ये जो फिल्म है, हिंदी फीचर फिल्म साउंड ऑफ वाटर, आपको टाइटल से ही मालूम पड़ रहा होगा कि ये वाटर के बारे में, पानी के बारे में है। मैंने इसमें बहुत अहम किरदार किया है। मैं हीरो का दादा का रोल किया है, हीरो के दादाजी, यानी कि मैंने अपने टाइम में भी पानी को देखा था और इस टाइम में भी देख रहा हूँ कि पहले हम तालाब का पानी पीते थे, स्वास्थ्य अच्छा रहता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आज हम पानी को फिल्टर करके पीते हैं, तब भी बीमार हो जाते हैं। तो बेस इसका यही है कि अगर हम पानी को स्टोर करें और उसको जिस तरह से पहले होता था वही प्रोसीजर से अब करें, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी। थीम इस फिल्म का ये है, पूरी फिल्म जो है पानी के ऊपर है। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मिस्टर श्रवण कुमार राठौड़, जो रायपुर को बिलोंग करते हैं। आज से एक साल पहले उन्होंने फिल्म स्टार्ट की थी, जो मेरे साथ भी हैं मिस्टर श्रवण कुमार राठौड़। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर हैं, इन्होंने स्वयं स्टोरी लिखी है, डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। इन्होंने एक साल पहले ये फिल्म स्टार्ट की थी और एक साल बाद में आज हम थिएटर में इस पिक्चर को देख रहे हैं। और बहुत अच्छा थिएटर है ये PVR। हम लोग लकी हैं कि एक साल में फिल्म बना के रिलीज़ कर दी। ये मुझे इस लाइन में करीब 45 साल हो गए एज एक्टर, पूरी ज़िंदगी मैंने दे दी इस फिल्म लाइन को। लेकिन मैंने इतना फास्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी देखा नहीं कि विदाउट स्टार कास्टिंग और ये फिल्म एक साल में रिलीज हो रही है। मैं इसके लिए राठौड़ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि अगर इस तरह के प्रोड्यूसर्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो तरक्की होगी और एक नई परिपाटी शुरू होगी। और ये सब्जेक्ट जो है किस तरह का है, पानी के ऊपर सब्जेक्ट है। इस फिल्म को बनाना, खुद लिखना, खुद डायरेक्शन देना, फिर रिलीज करना, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 300 थिएटर में आ रही है फिल्म, 300 थिएटर्स। बॉम्बे में बहुत थिएटर्स हैं, यहाँ पर आज की तारीख में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको रिलीज करना बहुत मुश्किल है। जो हमारे राठौड़ साहब ने एक करिश्मा दिखा दिया है करके, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा इसमें बहुत अच्छा रोल है, अभी आप देखेंगे 7 बजे का शो है, टाइम पूरा हो रहा है। आज मेरे लिए बहुत शुभ दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। और मैं दावा रखता हूँ कि इस तरह की फिल्म बहुत कम लोग बना पाते, हिम्मत ही नहीं कर पाते। ज़्यादातर फिल्में अड्डक बड्डक बनती हैं, जिनको कोई देखना नहीं चाहता, और खासकर स्टार कास्ट के साथ हम बनाते हैं। जो फिल्में कुछ चलती हैं, कभी कुछ नहीं चलती हैं, लेकिन ये फिल्म चलेगी। एक लेसन है इसमें, पानी की बहुत आवश्यकता है हिंदुस्तान को, और ये पानी ऊपर बेस करती है। तो मैं, चूँकि टाइम हो रहा है थिएटर का, ज़्यादा न बोलते हुए अपना एक्सपीरियंस इतना ही शेयर करूँगा कि फिल्म बनाना बहुत आसान है, फिल्म रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। जो कि ये करिश्मा मिस्टर श्रवण कुमार राठौड़ ने करके दिखाया है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो हमारे साथ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं, हमारी हीरोइन है, ये सब लोग जो है इसके हिस्से हैं। इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, और राठौड़ साहब की हिम्मत का कोई जवाब ही नहीं है। पैसा भी लगाया है, डायरेक्शन भी दिया है, प्रोडक्शन भी किया है, राइटिंग भी की, और ये सब्जेक्ट का ये थीम, मतलब लाइफ का जो मेन थीम ये था कि अगर मैं कुछ कर सका लाइफ में तो पानी के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। ये कई सालों से इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, ये पूरी फिल्म को लिखा है, एक एक डायलॉग लिखा है इसका, और बहुत शानदार डायलॉग है। अभी आप फिल्म को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं इतना ज़्यादा न बोलते हुए इतना ही बोलूँगा कि आप इस फिल्म को हाईलाइट करें हिंदुस्तान में अपने माध्यम से, और पब्लिक को समझाएं कि पानी कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पानी की आवश्यकता है। और कई स्टेट्स ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर पानी नहीं है, कई जिले हैं, कई गांव हैं जहाँ पानी नहीं है, लेकिन ये समस्या क्यों है वो इस फिल्म के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को हाईलाइट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म जिसे आपने डायरेक्ट की है, आपको से बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, पानी की जो समस्या है वो सभी जानते हैं, और कई जगह जहाँ पे देश में सूखा होता है तो कई जगह पानी होता है, बहुत सही अलग अलग डिफिकल्टीज अलग राज्यों की, स्पेशली पानी, ग्राउंड वाटर भी खत्म होते जा रहा है इंडिया का जो आ रहा है रिपोर्ट्स के अलावा, तो किस तरह से आपने ये सब्जेक्ट चूज किया और कितना चैलेंजिंग रहा होगा? एक्चुअली पानी का जो समस्या है ये ऑल ओवर इंडिया है, पानी की समस्या नहीं है, एक्चुअली में हमारा मैनेजमेंट का कमी है। आपने एक बीच में बोला कि ग्राउंड वाटर ख़त्म होते जा रहा है, कायदे से हमें ग्राउंड वाटर को हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास 3 से 4 महीना बरसात होती है, फ्लड आता है, और वो फ्लड जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक पीने योग्य रहती है, समुद्र में मिलने के बाद वो नमकीन हो जाती है।
हमारा ये कहना है कि उस फ्लड को पहले से मैनेज किया जाए, जो गाँव में आजकल जो शहरों में जो तालाब को पाटे जा रहे हैं उनको ना पाटते हुए फिर से तालाब बनाया जाए और फ्लड को मैनेज किया जाए। एक्चुअल में फ्लड एक साथ नहीं आती, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन होता है, उद्गम स्थल होता है, वहाँ से फ्लड स्टार्ट होती है। जो पानी को वहाँ से हम डाइवर्ट करते जाएँ और तालाबों को भर दिया जाए तो उससे हमने बताया हुआ है कि फ्लड की समस्या भी दूर हो जाएगी और हमारा वाटर स्टोरेज भी तैयार हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा 20% तो इवेपोरेशन में लग जाएगा, जिससे एक वाटर साइकिल बनेगी समुद्र के साथ में। और जो खंड वर्षा बोलते हैं, अभी आपने बोला ना कहीं सूखा और कहीं पानी का बाढ़ आया हुआ है, वो बंद हो जाएगी क्योंकि वाटर साइकिल मेंटेन होगी तो प्राकृत बरसात होगी। दूसरी चीज़ यह है ग्राउंड वाटर, अगर हमारे पास में यह पानी रहे और गर्मी के दिन में तालाबों में भरा रहे तो ग्राउंड वाटर हमारा अपने आप 20% ही लगता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, तो 15 से 20% में पूरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा और हमारी जो ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। हमने फ्लड मैनेजमेंट को पूरा बताया हुआ कि किन कारणों से नहीं होता। हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नल सुबह 1 घंटा खुलता है, उसमें नॉर्मल प्रेशर से पानी आती है और घर की महिलाएं जो गृहिणी होती हैं उस 1 घंटे के पानी को 11 घंटा यूज़ कर लेती हैं। तो वो गृहिणी 11 घंटा कैसे यूज़ कर लेती हैं जबकि हमारे पास 3 से 4 महीना फ्लड आता है, बरसात होती है और उस पानी को बाकी 7-8 महीने यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने वो बताया कि वो वाटर मैनेजमेंट की कमी है, वो गृहिणी हमसे ज़्यादा बेटर है। हमारे फिल्म में हमारा मेन कैरेक्टर हीरो के रोल में अब्राहम पांडे जी हैं, वो अभी आने वाले हैं और काफ़ी अच्छा एक्टर है, स्टार प्लस वगैरह में काफ़ी अच्छा, उन्होंने बहुत मेहनत किया और साथ में हीरोइन जसप्रीत कौर हैं और इन्होंने भी बहुत मेहनत किया पिक्चर में और अच्छा रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्टर प्रियस वकील जी हैं, इनका काफ़ी अच्छा है और कंचन मिश्रा जी हैं, बताइए आप, कोरियोग्राफर दिनेश बलराज जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है, भाई गोयल जैसे आपने सुना और भाई आप भी हमारे बाकी कलाकार भी हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा एक एक करके सबसे आप जैसा भी चाहें। लेकिन एक सवाल आपसे भी उठता है कि फिल्म किस जिसे कहा सर ने 300 थिएटर्स में रिलीज़ होगी अक्रॉस इंडिया और फिल्म का अर्ली क्या रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर अभी स्क्रीनिंग में किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ बताएंगे? नहीं, इसके अनुसार तो हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और हमने खासकर, मैं तो छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ तो मेरी टीम वहाँ पर है तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और कल हमको ये उम्मीद है कि हमारा जो सिनेमैक्स और श्याम टाकीज में एक स्थिति बनती है, अगर फिल्म अच्छी है तो सामने की ट्रैफिक पूरी जाम हो जाती है, तो हमको आज से ही वहाँ बोलना पड़ गया है कि भाई ट्रैफिक की व्यवस्था मेंटेन रहे ताकि फिल्म में के कारण किसी प्रकार की पब्लिक को प्रॉब्लम ना। मैम से जानना चाहेंगे मैम, इस फिल्म का हिस्सा किस तरह से आपको अप्रोच किया गया, इस फिल्म का हिस्सा किस तरह से बनी और कितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए फिल्म? माई नेम इज़ जसप्रीत कौर प्रीथी और मैं इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक यू करना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा थैंक यू मिस्टर श्रवण कुमार सर को जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये मेरी फर्स्ट मूवी है जो रिलीज़ होने जा रही है एज अ डेब्यू एज एन लीड एक्ट्रेस इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। जो एक लड़की का या किसी का, हर बंदे का एक ड्रीम होता है, वो आज ये पूरा होने जा रहा है जो ये थिएटर में हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और हम और हमारे सारे टीम ने बहुत मेहनत करी है इस मूवी को इस मुकाम पर लाने के लिए। और जैसे हमारे प्रोड्यूसर जी ने बोला था, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और जो कंसेप्ट इन्होंने रखा हुआ है ऑन वाटर, जो आज तक कभी इंडस्ट्री में बना नहीं है, कोई यूनिक टॉपिक है, काफ़ी यूनिक टॉपिक है एंड ये इट इज़ लाइक काफ़ी एजुकेशनल है। मैं चाहूँगी कि हर फैमिली, इट इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड मूवी, तो हर मूवी लाइक हर फैमिली अपने बच्चे को साथ में लेके आए, फैमिली के साथ आए, इस मूवी को देखे और कुछ सीखे और अपने बच्चों को ज्ञान दे कि कैसे वाटर को आप सेव कर सकते हैं, वाटर का कैसे यूसेज कर सकते हैं, जो हमारे इंडिया में दिक्कत आती है कैसे उसका रेजोल्यूशन है। काफ़ी अच्छी टेक्निक से इसको बताया गया है इस मूवी में, सो ये काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहूँगी कि हर कोई जाके एटलीस्ट एक बार देखे और हमें रिव्यू दे कि उन्हें ये मूवी कैसी लगी। एंड आई होप सबको ये मूवी अच्छी लगी क्योंकि हमने सब ने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, दिन रात एक करके मेहनत, सारे टीम ने इक्वली मेहनत करी है और ये रायपुर छत्तीसगढ़ में ये मूवी शूट हुई है। एंड वही बोलना चाहेंगे कि आप सबके ब्लेसिंग से ये मूवी हिट हो जाए एंड और भगवान करे कि हम और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमें मिले लाइफ में और बहुत सारा काम हम करते जाएँ और आप लोग हमें लाइक करें इस मूवी में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।
पहली बात यह है कि जब श्रवण जी आए थे मेरे पास और मुझे कहा गया कि इसका म्यूजिक करना है, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. एंड एज वी ऑल नो के पूरे दुनिया भर में पानी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, और जब पानी की समस्या लेके आए थे तो मुझे लगा क्या म्यूजिक करूँगा, बट जब उन्होंने कंसेप्ट मेरे सामने रखा तो लगा कि नहीं कुछ है. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग द म्यूजिक और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन स्टेज एंड डू द नीडफुल. एंड इट्स अ वंडरफुल मूवी, इट शुड बी सीन बाई वन एंड ऑल, एंड इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर एवरीबडी. थैंक यू श्रवण जी, थैंक यू द होल टीम. वुड यू लाइक टू हाईलाइट, कुछ बोलना चाहेंगे इस फिल्म से जुड़ी चीज़ें? जैसा कि सर ने बनाया साउंड ऑफ वाटर, पानी की आवाज़, तो पानी की आवाज़, खाली पानी की ही कमी नहीं, पानी तो कम होता है ये, लेकिन बरसात में हमारा जनजीवन भी ख़राब हो जाता है, बहुत सारे गांव, झोपड़ी, बस्तियां बह जाती हैं, तो उसके चलते अगर हम पानी को सेव करते हैं तो हम जनजीवन को भी बचा सकते हैं, हम गांव को भी बचा सकते हैं, तो और हमें पानी की कमी भी नहीं होगी. इस तरह से सर ने मुझे एज ए मदर कैरेक्टर, हीरोइन की माँ हूँ मैं, और इन्होंने कास्ट किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत थैंक. और आप लोग देखिएगा, काम अच्छा लगेगा आप लोगों को. थैंक यू. थैंक यू. दिनेश बलराज, कोरियोग्राफर. आई थिंक साउंड ऑफ वाटर में से फिल्म के टाइटल से मतलब मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और स्पेशली मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इस तरह की पब्लिसिटी हुई है कि फिल्म के टाइटल के साथ हमारे खुद के पिक्चर्स लगाकर इन्होंने मतलब एक पोस्टर बनाया था. एंड मेरे सॉन्ग जो है इसमें वो एक डिफरेंट है, और मैंने काफ़ी मेहनत की है, जिसमें मेरे ख्याल से एक आइटम सॉन्ग मैंने पिक्चराइज किया है इसके अंदर, जो अक्षय कुमार की फिल्म में वो लीड रोल में मतलब उसमें भी उसने सोलो डांस किया था, तो ये फिल्म में भी वो लड़की है जो फॉरेनर्स है, बट वो गाना फैंटास्टिक है, मैंने काफ़ी अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है, प्लीज़ आप देखिएगा. मैम, इट्स योर डेब्यू फिल्म, आपकी डेब्यू फिल्म है ये, इस फिल्म का हिस्सा आप रही, कितना वक्त लगा आपको इस रोल से प्रिपेयर करने के लिए और किस तरह से ये जर्नी रही है? माय नेम इज जसप्रीत कौर प्रूथी एंड आई एम एन एक्ट्रेस, एंड ये मेरी डेब्यू फिल्म है. और ये जैसे आपने पूछा कि इस मूवी में हमने काफ़ी मेहनत करी है, इसका स्क्रिप्ट हमें दिया गया था, इस पर काफ़ी वर्कशॉप्स हुए हैं, काफ़ी प्रिपरेशंस हुई है, रात दिन इस पर काफ़ी मेहनत की है. और जब हम ये शूट हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, और रायपुर छत्तीसगढ़ में भी हमें काफ़ी लाइक पूरा दिन रात मेहनत की, हमने कुछ गाँव में लाइक यू नो कुछ विलेजेस में हमारी शूट हुई, काफ़ी सिचुएशंस हार्ड सिचुएशंस थे, बट हमने सब यू नो हमने फेस किया उसको, पूरी टीम काफ़ी कोऑपरेटिव थी. हमारे जो प्रोड्यूसर थे श्रवण कुमार जी ने ट्राई किया कि हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाए, काफ़ी अच्छी तरीके से हमें रखा गया था वहाँ पे. एंड काफ़ी मूवी का जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी यूनिक था, तो हमें एक काफ़ी यू नो ये बहुत बड़ा ब्रेक था हमारे लिए कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ लीड एक्ट्रेस काम करें. तो इसमें जो मेहनत की गई है काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की है हर बंदे ने इस टीम की. श्रवण कुमार जी ने तो काफ़ी की हुई है क्योंकि वो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उनके साथ साथ हम सब टीम ने दिन रात एक्चुअली काम किया है इस पर. हमारी नींद भी काफ़ी सैक्रिफाइस की गई है इस पर, बट आई होप कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा आए. और अभी करंटली हमारे और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. हमने एक तेलुगु मूवी फिल्म में एज ए लीड एक्ट्रेस वो कंप्लीट हो चुकी है. हमारी एक मराठी फीचर फिल्म मुंबई सेंट्रल वो भी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी अभी रिलीजिंग पे होगी. और एक हिंदी फीचर फिल्म वो भी कंप्लीट हो चुकी है. तो हमारे और लाइंड अप दो चार और प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं. सो इस एक मूवी की वजह से हमने आगे काफ़ी कामयाबी हासिल की है और करी जा रहे हैं. गॉड ब्लेस की और भी तरक्की करें, एंड होपफुली आप सबको हमारा काम अच्छा लगे. थैंक यू. सर, इस फिल्म से आप कब से जुड़े, मतलब किस तरह से जुड़े, स्टोरी क्या आपने लिखी है, किसी और ने लिखा, कुछ बताइए इस डिटेल में. एक्चुअली इसके पहले मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर था रायपुर में, एज ए जोन कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में था.
मैंने पानी की समस्या को बहुत नज़दीक से रूबरू होकर देखा है। मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी कि मैंने देखा कि पानी इतना वेस्ट जा रहा है लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस पर एक फिल्म बनाऊँ। मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरी बातें पब्लिक तक जाए, पर वो कुछ लोगों तक जाते थे, हम सबके सामने नहीं पहुंचा पाते थे। तो मैंने सर्विस से पहले, सबसे पहले मैंने 2 साल पहले सर्विस से रिजाइन किया। अपने इस्तीफ़ा देने के बाद मैंने स्टोरी लिखना चालू किया। करीब 6 महीने मैंने इसको स्टोरी लिखी। स्टोरी लिखने के बाद पिछले 1 साल पहले फिर मैंने इसका स्क्रिप्ट पे काम करना चालू किया कि मैं पिक्चर बनाऊँ। और मैंने कास्टिंग किया, मुंबई आके ही कास्टिंग किया। और बेसिकली तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मुंबई मुझे बिल्कुल नया लगा, फिर भी मैं काफ़ी लोगों से मुझे अच्छा सहयोग मिला और मैंने यहाँ पे कास्टिंग की और लोगों को ले जाके और काफ़ी कलाकार छत्तीसगढ़ से भी लिए और मैंने फिल्म बनाई। फिल्म बनाने के बाद दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ आई कि एडिटिंग, जो मैं नहीं जानता था। एडिटिंग में भी मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा। एडिटिंग के बाद फाइनली ये बात आ गई कि भाई इतनी अच्छी मूवी है, क्यों ना अवार्ड के लिए भेजा जाए। तो मैंने इसको अवार्ड के लिए भेजा सेंसर के पहले। तो मुझे इस प्रकार 4-5 अवार्ड मिले हैं। उसमें फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर सेशन 2019 इंटरनेशनल फिल्म मेकर एसोसिएशन में मुझे प्राइज़ मिला। सेकंड लिफ्ट आप ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ से भी मुझे अवार्ड मिले। स्ट्रेट जैकेट गोरिल्ला फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ से भी अवार्ड मिले। ये सब फॉरेन के थे। प्लस इंडिया के दबुद्धा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये पुणे में आयोजित होता है, यहाँ से हमको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और सबसे बड़ी खुशी उस दिन हुई जब दबुद्धा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमें अवार्ड तो दिया गया, लेकिन हमारे फिल्म के थीम को समझ के पूरे ग्रुप ने वहाँ जो अवार्ड फंक्शन चला था उनमें एक एक पौधे का वितरण किया गया कि अगर हम एक एक पौधे भी लगाएँ तो हमारे इन्वायरमेंट को और जल की आवश्यकता को पूरा होगा। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन था। इसके बाद इस अवार्ड लेने के बाद मेरी इच्छा हुई कि अब फिल्म को रिलीज़ किया जाए। उसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मेरी टीम को मेहनत करनी पड़ी और आज फाइनली वो दिन आ गया जब हम यहाँ प्रीमियर कर रहे हैं। और कल से हमारी फिल्म साउंड ऑफ वाटर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ होने जा रही है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और अब हम पब्लिक से कहना चाहूँगा कि पिक्चर को देखिए। और पिक्चर सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक हमने बनाया कि समस्या है तो समाधान भी है। और जिस प्रकार से हम इस पानी की समस्या का समाधान करेंगे तो हमको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हमने यह भी बताया हुआ है कि 200, 400, 500 साल बाद हमारे पास पैसे तो रहेंगे, पानी नहीं रहेगी। और पानी जस्ट लाइक ए करेंसी हो जाएगी। जब किसी चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हर आदमी में, आपको कुछ भी चीज़ लेना है तो लोग बोलेंगे करेंसी दो, और उस समय करेंसी के रूप में पानी जस्ट लाइक एक बॉल के रूप में रहेगी और आपको करेंसी के रूप में पानी देना पड़ेगा, तभी आपकी आवश्यकता पूरी होगी। पैसा उस समय कोई काम नहीं आएगा। इस चीज़ को हमने फिल्म के माध्यम से दिखाया है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी क्योंकि दिस इज़ माई डेब्यू इन बॉलीवुड एज अ सिंगर। और प्रियेश जी एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स फॉर एवर, वी मेट ऑनलाइन एंड यू नो हमने हमारा म्यूजिक शेयर किया एक दूसरे के साथ, और तब जाके देयर वाज अ सर्टेन केमिस्ट्री अबाउट एवरीथिंग। और फिर हम एक बार मिले थे, आई थिंक हम लोग इन्फिनिटी में मिले थे एंड वी वर जस्ट टॉकिंग। एंड देन उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया कि यू नो साउंड ऑफ वाटर करके एक फिल्म बन रही है जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट, इट्स फ्यूचरिस्टिक एंड इट्स ऑल अबाउट वाटर के पानी कैसे की आवश्यकता इतनी है आजकल एंड हाउ पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बाद में समझ आएगी। एंड उसके लिए वी डिड एन आइटम सॉन्ग टुगेदर कॉल्ड 1 2 3 4। इट्स अ वेरी फन सॉन्ग, इट्स टोटली पार्टी एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आए बिकॉज एज माई डेब्यू आई एम रियली हैप्पी कि मुझे एक ऐसा गाना मिला है जो मेरी वॉइस को इतना अच्छे से सूट करता है। तो दैट्स रियली रियली अमेजिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना एंड ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू सिंग इन अ सॉन्ग। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट अ सिंगर विद अ न्यू सॉन्ग एंड यू नो टू हैव द फेथ कि दैट पर्सन विल डू द सॉन्ग वेल एंड यू नो द वे द विजन दैट द म्यूजिक डायरेक्टर हैज एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी कुड शेयर दैट विजन। I would thank all my singers first because they were a part of us all and Shravan ji main because unke wajah se hum log yahan pe aaye and we got this platform. She was one of the singers who has done the song 1 2 3 4. Aap log dekhiye
और मुझे उम्मीद है कि आपको हर गाना अच्छा लगेगा एंड लेट शेयर इट एंड मेक इट अ बिग हिट. थैंक यू सो मच. इस फिल्म से जुड़ी हुई एक हिस्सा आपने इस फिल्म का एक पार्ट हो और आपके जो गाने आपने शायद गाए हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे मैम. अच्छा, कुछ बताएंगे या कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगी. उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स प्रियेश जी जिन्होंने मुझे ये गीत गवाए हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी. और श्रवण जी को आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर अ सुपर मूवी. बहुत अच्छी मूवी है. अभी जस्ट इंटरव्यू हुआ है. थैंक यू सो मच. मैं जस्ट दो लाइनें गुनगुनाना चाहूंगी. Okay sir, thanks sir. Thank you. Thank you.